दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए JMT न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख पाए लेटेस्ट न्यूज वीडियोस सबसे पहले। श्रीलंका ने मैच में मेजबान भारत को एकतरफा मुकाबले में 7 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ उसने 3 वनडे मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। श्रीलंका ने सुरंगाला कमल 4 विकेट की अगुवाई में अपनी गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर मेजबान टीम की मजबूत बल्लेबाजी को घुटने टेकने पर मजबूर करते हुए 112 रनों पर ही ढेर कर दिया। इस आसान से लक्ष्य को श्रीलंका ने 20.4 ओवरों में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। श्रीलंका के लिए उपुल थरंगा ने सबसे ज्यादा 49 रन बनाए। एंजेलो मैथ्यूज ने 25 और निरोशन डिक्वेला ने 26 रन बनाए। दोनों नाबाद रहे। भारतीय बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करने वाले सुरंगा लकमल को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और भुवनेश्वर कुमार ने 1-1 विकेट लिया। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारत ने एक समय 29 रनों पर ही 7 विकेट खो दिए थे, लेकिन इसके बाद पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 65 रनों की पारी खेलकर भारत को वनडे इतिहास के न्यूनतम स्कोर पर आउट होने से बचाया और 100 के आंकड़े के पार भी ले गए। इसी बीच श्रीलंका टीम के कप्तान थिसारा परेरा ने श्रीलंका की जीत के पीछे एक अहम कारण का उल्लेख किया। उन्होंने बताया, हमारे गेंदबाजों ने 200% योगदान दिया। उन्होंने बहुत अनुशासित गेंदबाजी की, सही लाइन और लेंथ, सही जगह पर गेंदबाजी की, लेकिन सच्चाई यह भी है कि यह विकेट खेलने लायक नहीं था। हमने भी इतने कम रन की अपेक्षा नहीं की थी। हमारा मानना था कि इस विकेट पर 250-260 रन बनेंगे, लेकिन जब सुरंगा और एंजेलो ने जब बहुत बढ़िया गेंदबाजी की तो हमारा भ्रम टूट गया। इस विकेट के बारे में मैच से पहले भी कुछ इसी तरह की रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि टॉस ही बॉस होगा।